खबर आ रही सामने। आपको एक और बड़ी अहम जानकारी इस वक्त की, रानिया से देने जा रहे हैं, खारिया गांव में टूटी जीबीएसएम, नया टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। रानिया से इस वक्त की बड़ी खबर, नहर को बंद करने का काम फिलहाल जारी है, तो नहर विभाग के अधिकारी इस पूरे मौके पर मौजूद। फिलहाल नहर को बंद करने का काम जारी है और खारिया गांव में टूटी जीबीएसएम घग्गर नहर, तो नहर टूटी है और नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, किसानों को नुकसान, नहर को बंद करने का काम फिलहाल जारी, मौके पर विभाग के अधिकारी मौजूद है। नहर विभाग के अधिकारी इस पूरे मौके पर मौजूद, फिलहाल नहर को बंद करने का काम जारी। तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं किस तरह से नहर टूटी है, फसलों को नुकसान और मौके पर नहर को बंद करने का जो यहां पर कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही, नहर को बंद करने का काम जारी, कोशिश यहां पर विभाग की तरफ से जारी, तो नहर विभाग के अधिकारी इस पूरे मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किसान भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, कहा जा रहा है कि सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न इस नहर के टूटने के कारण हो चुकी है। मौके पर प्रशासन मौजूद और रानिया से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खारिया गांव में जीबीएसएम घग्गर नहर टूट चुकी है और नहर को बंद करने का काम फिलहाल जारी है। इस बाबत जो तस्वीरें सामने आई है, नहर को बंद करने की कोशिश यहां पर विभाग की तरफ से, नहर विभाग की तरफ से की जा रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और मौके पर अधिकारी भी मौजूद है, उनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किसान भी इस मौके पर मौजूद, नहर को बंद करने का काम फिलहाल जारी। तो एक बार फिर से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, जिसके कारण यहां पर नुकसान एक बार फिर से किसानों को हुआ। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है और अपडेट फिलहाल लिया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रशासन मौके पर मौजूद है, नहर विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद और नहर को बंद करने का प्रयास, नहर को बंद करने की कोशिश यहां पर विभाग की तरफ से की जा रही है। जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है कि सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। संजीव सैनी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, कब ये नहर टूटी और विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। रानिया के गांव ओटू से निकलने वाली घग्गर नदी से निकलने वाली नहर जो है खारिया और चौथड़ के बीच में देर रात ही टूटी है जी, और टूटने के बाद से देर रात से कि नहर विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौके पर नहर को पाटने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही नहर को पाटा गया है, लेकिन इस दौरान नहर टूटने के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वो पूरी तरह से किसानों की फसल डूब गई है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर इस फसल से पानी को जब नहीं निकाला गया तो उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। जी, तो यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या आकलन यहाँ पर संजीव हो पाया कि कितना नुकसान किसानों को हुआ? जी बिल्कुल, नहर जो पाटने का काम देर रात से जारी था, नहर को कुछ समय पहले ही पाटा गया है। इसके बाद अब फसल का नुकसान का आकलन किया जाएगा, अभी तक फसल के नुकसान का कोई आकलन नहीं किया जा सका है। जी, तो अभी तक आकलन नहीं किया गया। संजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों का लेकर, किसानों को इसको लेकर क्या कुछ कहना है, किसान भी, क्योंकि तस्वीर भी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे, किसान भी वहां पर मौजूद है। संजीव जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा देर रात से जब नहर टूटी थी तभी से किसान जो है इस नहर को पाटने का काम में नहर विभाग के अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। अगर इस नहर को जल्द ही नहीं पाटा जाता तो ये जो है काफी और ज्यादा क्षेत्र में नहर का पानी फैल जाता, लेकिन अब नहर को पाट लिया गया है। तो किसानों का यही कहना है कि अगर फसल का नुकसान होता है तो विभाग की तरफ से फसलों का मुआवजा दिया जाए। जी, तो यहाँ पर मांग, यहाँ पर किसान मुआवजे की करेंगे। इसी के साथ साथ आपसे भी जानना चाहेंगे कि नहर विभाग के अधिकारी की आपसे बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? नहर विभाग के अधिकारी फसल नहर पाटने के काम में लगे हुए थे, अभी उनसे किसी प्रकार की फसल के नुकसान के मामले की कोई बातचीत नहीं हो पाई। जी जी, शुक्रिया।
संजीव सैनी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं रानिया से सामने, जहां पर नहर को बंद करने का काम जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव सैनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और बताया कि अभी तक आंकलन फिलहाल नहीं हो पाया कि कितना नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ। पहले फिलहाल प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि नहर को पूरी तरह से बंद किया जाए, और जब इस पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही आंकलन यहाँ पर किया जाएगा कि किसानों को कितना नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, मांग यहाँ पर विभाग की तरफ से की जा रही है कि अगर उनकी फसलों को नुकसान ज्यादा होता है तो मुआवजा उनको दिया जाए। तो रानिया से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नहर को बंद करने का काम जारी, विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है, किसान मौजूद है,